हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इकराम कौन सी वीडियो देखने लगे हैं? आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है जी व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट बांग्लादेश। पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो है। पाकिस्तानी लव बांग्लादेश। हां जी, डेफिनेटली थिंक पॉजिटिव वीडियो है, तो चले देखते हैं। चलें जी, पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पे करते हैं। YouTube चैनल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए लेकर आई हूँ सवाल। सवाल ये है कि पाकिस्तानी आवाम बांग्लादेश के बारे में क्या क्या जानती है। आइए चलते हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछते हैं कि बांग्लादेश का नाम सुनते ही आपके सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? मछली। मछली मछली सबसे ज़्यादा फेमस है। फूड? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद है आपको? नहीं बस ठीक है, अच्छा है। फिश नहीं पसंद? फिश अच्छी है, खानी चाहिए बिल्कुल है। अच्छा, सी फूड। अच्छा ये बताएं कि 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हुआ, उससे पहले उसे क्या नाम कहा था, किस नाम से बुलाया जाता था बांग्लादेश को? आई थिंक ढाका। नहीं नहीं, ईस्ट पाकिस्तान। तुम लोग चीटिंग करवा रहे हो ना, क्या कहा जाता है? ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? मेरा जो बांग्लादेश का सुन के आता है ना, सबसे पहले वो ये आता है कि पाकिस्तान था पहले और फिर वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट क्यों? क्योंकि सेपरेट होने की वजह ये थी कि वो गद्दार थे। नेशनल गेम कौन सी? उनकी नेशनल गेम मेरे ख्याल से कबड्डी है। करेंसी कौन सी? करेंसी ये मुझे नहीं पता। पीएम हसीना वाजिद। अच्छी नहीं, नहीं जी। अच्छा एक और बात है, मुझे जो बांग्लादेशियों की चीज़ बुरी लगती है, जो पाकिस्तान के साथ जब ये फील्ड में होते हैं ना, तो ये पाकिस्तान के साथ इंडिया वाला बिहेवियर करते हैं जो बांग्लादेशी आवाम है। क्या बांग्लादेश का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? जी बांग्लादेश का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जहन में मशरकी पाकिस्तान का नाम आता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से अलग हुआ है और एक वक्त था जब ये पाकिस्तान का हिस्सा था। ये सेपरेट क्यों हुआ? जो सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी है ये सबसे बड़ी काज थी। सर मुझे ये बताएं कि उनकी नेशनल गेम कौन सी? नेशनल गेम्स उनकी उनकी क्रिकेट टीम भी है अभी तो। करेंसी के बारे में आपको इल्म है कि वहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ की जाती है? हाँ जी वो टका है उनकी करेंसी। वहाँ पे पीएम कौन है? ये शेख हसीना वाजिद है। अच्छी लगती है उनको? अच्छी लगती है एज ए पर्सन, मुझे उनसे कोई वो डिफरेंस नहीं है। बांग्लादेश का नाम सुनती है आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? हमारा हिस्सा था, बाद में अलग हो गया। तो क्यों अलग हुआ? कोई प्रॉब्लम्स थे ना, कोई पॉलिटिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से, तो फिर वो। उनके फूड के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा होता है, आई हैव हैड इट वेरी लवली। बहुत कोई एक बताए स्पेसिफिक जो आपको बहुत पसंद हो बांग्लादेश। एक वो होता है, मैंने इसमें बहुत साल पहले खाया था, वो डिश थिक थाली में होता है, आई डोंट नो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वजह से। आपने कभी टेस्ट किया? खाया था लेकिन अब बहुत टाइम हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि नेशनल गेम कौन सी है बांग्लादेश की? नहीं ये मुझे नहीं पता। बांग्लादेश का नाम सुनते हैं आप सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कि वहाँ के लोग बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, एंड वी लव बांग्लादेश पीपल्स। एंड स्पेसिफिक बात बताएं जो आप उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत, मतलब अपने इजहार कर रही हैं मोहब्बत का, तो क्या उनकी स्पेसिफिक चीज़? फूड क्या अच्छा लगता है? फूड अच्छा लगता है क्या चीज़? उनका कल्चर बहुत अच्छा है, उनका फूड के फूड भी उनका बहुत गुड है और कल्चर भी उनका बहुत गुड है। बांग्लादेश का नाम सुनते हैं आपके जहन में सबसे पहले क्या? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्यों? उनकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 1971 में जो बांग्लादेश सेपरेट हुआ था उससे पहले उसको क्या नाम दिया गया था? ये इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा सोच। कोई आइडिया नहीं। उनका फूड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? फूड में वो लोग जो खाते हैं वो पता है, मछली। मछली बहुत पसंद है आपको? पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कभी अगर जाने का मौका मिला तो जाएंगे? नहीं बांग्लादेश नहीं जाऊँगा। कहाँ जाएंगे? मैं इंडिया जाऊँगा। इंडिया क्यों जाएँ? दीपिका की वजह से। दीपिका की वजह से आए। बांग्लादेश का नाम सुनते आपके जहन में सबसे पहले क्या? उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। अच्छा और क्या? और जूट की जो उनकी मिले हैं। अच्छा। हाँ जी। और शेख हसीना। शेख हसीना, हसीना से मोहब्बत नहीं? नहीं नहीं फिलहाल नहीं। उसकी नेशनल गेम कौन सी? क्रिकेट ही होगी। अच्छा फूड में कौन, फूड में सबसे अच्छी चीज बांग्लादेश की क्या लगती है? मछली होगी। मछली आपको पसंद है? नहीं सही है, खा लेते हैं। हाँ जी। और करेंसी कौन सी है? टका। अच्छा पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ बांग्लादेश? ये जरा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया है। खैर उनको उनके हकूक नहीं दिए जा रहे थे। अच्छा इसलिए पाकिस्तान उनके हकूक। हाँ जी मुझे ये बताएं 1971 में बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? फिश। फिश बहुत पसंद है वो, बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा
मछली और चावल का कॉम्बिनेशन के साथ। और फ़िश में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो जिस जो तरीका है ना उनका फ़िश खाने का, वो बहुत मुनफरद है, क्योंकि फ़िश जो है उसके कांटे एक तरफ जो है मुँह के वो इकट्ठे करते रहते हैं। कि सबसे बेहतरीन तरीके से फिश खाते हैं, स्पीड से खाते हैं। एक साइड पे कांटे, एक साइड पे। हाँ जी, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ बांग्लादेश? कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, शेख मुजीबुर रहमान के उस टाइम पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान। अच्छा। तो मैंने जहाँ तक सुना, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि इनके आपस में जो थे वो कुछ क्लैश हुए थे। अच्छा। जिसकी वजह से जो है मशरकी पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया था। अच्छा, अगर कभी आपको बांग्लादेश जाने का मौका मिला तो जाएं? चले जाएंगे। क्यों जाएं? वैसे ही घूमने फिरने, देख लेंगे वहाँ की चीज़ों को, एक्सप्लोर करने वहाँ की हिस्ट्री जो है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका थोड़ा सा विजिट कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीएम कौन है? आई थिंक शेख हसीना वाजिद है। तो मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश का नाम सुनते सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले आता है सुकूते डाका। जी, सुकूते डाका, जब हमारे हाथों से निकल गया था। अच्छा, बहुत याद आता है आपको? बहुत याद आता है। अगर आपको विजिट करने का मौका मिलेगा तो जाएंगे? बांग्लादेश नहीं जाऊँ। क्यों? यादें ठीक नहीं है। 70 में था मैं उस वक्त, कुछ रजाकार भी मैं रहा था एज ए नेशन, वैसे स्टूडेंट था। अच्छा। तो मैंने इसमें हिस्सा भी लिया हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो बस उस वक्त जो इन्होंने हमारे साथ किया है तो उससे फिर दिल बुझ गया इनसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट क्यों हुआ? कसूर हमारा ही है। क्या कसूर? कसूर यही है कि वो उसका हक बनता था, उसको देना चाहिए, जिसका राइट बनता था। अच्छा। उसको देना चाहिए था। कसूर हमारे से मराज ये है कि पॉलिटिशियन उस वक्त था, हालांकि मैं अब जुल्फ़िकार भुट्टो का बहुत बेहतरीन उनका चाहने वाला हूँ, उनके साथ मैंने वर्क किया हुआ है, लेकिन वो भी अपना चाह रहे थे, वो अपना चाह रहे थे, उसको उनको बोला तो उनको देना चाहिए। मुझे ये बताएं बांग्लादेश का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? वहाँ के लोगों का एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और ये कि अगर वो उर्दू में बात करेंगे आपको लगेगा नहीं कि वो लाइक पाकिस्तान से नहीं है, मतलब पाकिस्तान का अनदर पार्ट नहीं है, आपको ऐसा फील आएगा। आई हैव 2 or 3 फ्रेंड्स फ्रॉम बांग्लादेश बट नॉट नाउ, और वो लोग चावल बहुत खाते हैं, फ़िश बहुत खाते हैं। आपको पसंद है फिश? नहीं, चावल पसंद है। और ये कि स्मार्ट हार्ड वर्क बहुत होते हैं और पतले होते हैं और काम करते हैं। उनका कल्चर कैसा लगता है आपको? कल्चर रिच है, ऑफ कोर्स वाइब्रेंट है, कलरफुल है, हमसे मिलता जुलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं वहाँ के पीएम का क्या नाम? हाँ, वो भी नहीं पता। अगर कभी विजिट करने का मौका मिले तो बांग्लादेश जाएं? ऑफ कोर्स। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती? जिनसे मेरी बात हुई थी उन्हें तो उर्दू समझ आती थी। अच्छा। पर मुझे उनकी कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आई। 1971 में बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? उसका एक और नाम था, क्या नाम, किस नाम से उसको बुलाया जाता था? कोई हिट दे दे। पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एरिया थे और वो पाकिस्तान के किस एरिया में वाक़या था? ईस्ट बंगाल। तो माँ के बालो बाशी बांग्लादेश, इसी के साथ। बिल्कुल। अच्छा, सब भाइयों ने, अपनी बहनों ने अपनी राय दी है। ठीक है, वो वाकई उस टाइम पे ज्यादती हुई थी, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, भारी अक्सरियत थे, ठीक है, और उनका हक बनता था, ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व करते थे, क्योंकि इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में वो विन किए थे, ठीक है। बट जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कुछ हमारे पॉलिटिशियन, और बस अब इतनी डीपली बात नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने फिर कह दिया था कि तुम उधर हम इधर, ठीक है, इस वजह से फिर बंटवारा हो गया। उनको हक नहीं दिया तो उनके हक पे, तो वो तो अपने हक पे डटे हुए थे। बाद हम अपनी बात कर लें, अगर हमें हक ना मिलेगा तो हम भी तो वो जगह छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह अपना उस टाइम की फिर ये खलशें, नफरतें फिर काफी ज्यादा दूर तक गई थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे गलती हमारी थी, हम लोगों ने हक मारा था, ठीक है। नहीं तो अगर उस टाइम पे ये काम ना करते ना, तो अभी तक समझ लो ये पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही रहने थे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा, कई लोग हैं, वो एक बंदे का भी बीच में सुना, वो कहता नहीं मैं बांग्लादेश में जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा, उधर दीपिका है। उसकी वजह से बात की है उसने, उसने वो ही बात की, उसने मजाक के तौर पे उसने बात की थी कि मैं उधर नहीं, ये इस वजह से हर बंदे। बट ये है कि हमें अगर चांस मिलेगा तो हम इससे अपॉर्चुनिटी को वेल करेंगे, हम जरूर जाएंगे यार, हम तो जरूर जाएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।